हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए एक बेल है, वाइन है। आप सब लोग इस वाइन के बारे में जानते ही होंगे। ये एक औषधीय गुणों से भरपूर बेल है, इसको गिलोय बोलते हैं। ये गिलोय की बेल है फ्रेंड्स। इसका जो है वो बहुत सारे बीमारियों में इसका फ़ायदा होता है। इसको उबाल के आप इसका काढ़ा पिए, इसके पत्तों का, इसकी डंडी का, तो ये बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदा करती है। जैसे शुगर है, स्किन की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी, मतलब कोई भी बीमारी हो उसमें ये बहुत फ़ायदा करती है। और इसको उगाना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब बरसात आने वाली है, आज बादल भी हो रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैंने इसको 2 महीने पहले उससे कलम से लगाया था। ये देखिए इसके यहाँ पर इतनी बड़ी थी और ये अब कितनी सारी फैल गई है। शायद मैंने इसको फरवरी या मार्च में ग्रो किया था और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम लोग इसका रोज़ काढ़ा पीते हैं। इसकी पहचान का इसके पत्ते हैं। देखिए पत्ते इसके पान की तरह होते हैं। ये देखिए, ये इसके पत्ते पान की तरह होते हैं और पीछे से इस तरीके के होते हैं। ये देखिए, और इसकी स्टेम से इसकी पहचान ज़्यादा होती है। ये इसकी स्टेम है, ये मैंने काट के रखी है थोड़ी पुरानी वाली बेल में से अपनी। इस पर ये थोड़े थोड़े उभरे हुए निशान होते हैं। ये देखिए, आज थोड़ी लाइट कम है, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए उभरे हुए निशान होते हैं। बहुत कुछ बेलें जो हैं वो गिलोय की तरह होती हैं, लेकिन वो हर बेल गिलोय नहीं होती है। तो ये जो इसकी स्टेम है, ये उभरे हुए इस पर डॉट डॉट से हैं, ये देखिए। और अगर इसको आप काटेंगे तो इसमें इस तरीके से ये गोल चक्र सा बना हुआ होता है, दिख रहा है आपको? ये गोल चक्र सा बना हुआ होता है और यही इसकी पहचान है। और इसमें बहुत लसीला सा पदार्थ होता है, मतलब लेस गीला गीला सा, अजीब सा, चिकना चिकना सा होता है। और ये देखिए, ये इसको मैंने काटा है तो ये बीच से ऐसा निकलता है। ये देखिए, बीच में ऐसी लाइन सी पड़ी होती है इसमें, और ऐसे ये एक गोल चक्र जैसा होता है ये। और ये इसके डॉट डॉट, ये अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो इसको ग्रो सीधा ही करना पड़ता है। जैसे ये इसका हिस्सा जो है वो जड़ की तरफ रहेगा, आप इसको ऐसे लगाइए तो इसका ये जो नोड एरिया होता है, इसको एक को आप दबा दीजिए, यहाँ तक आप इसको दबा दीजिए, तो यहाँ से इसके न्यू शूट्स निकलेंगे और ये ग्रो करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी अब बरसात के मौसम में। अभी इसको लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको लगा सकते हैं। और ये किसी भी तरीके की मिट्टी में हो जाती है, बहुत खाद पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप बढ़ती जाती है। और अगर ये नीम पे चढ़ी हुई हो फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा फ़ायदा इसका होता है। इसको लोग उबाल के भी पीते हैं और कुछ लोग तो इसको ऐसे भी जो है वो पीस के पी लेते हैं। हम तो उबाल के पीते हैं गिलोय या तुलसी का काढ़ा रोज़। और ये कोरोना में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको आप ग्रो करिए अपने घर में। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कहीं से जो है किसी किराने वाले की दुकान से, जहाँ पे इस टाइप की जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ से ले लीजिए। और सूखी हुई भी फ़ायदा करती है, लेकिन हरी वाली ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप कोशिश करिए कि आप इसको अपने घर में ही एक गमले में लगा लीजिए, और या इस तरीके से जो आटे के 10 किलो वाले जो बैग आते हैं, मैंने तो अब की बार इसमें ग्रो किया है क्योंकि मेरे पास कोई पॉट अलग से नहीं था। तो पिछले बार मेरा पॉट में ही लगा हुआ है, लेकिन वो अब थोड़े उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं क्योंकि शायद पॉट में वो हो नहीं पा रही है। ये देखिए पत्ते उसके इस तरीके से पीले पड़ गए हैं उसकी। मुझे लगता है कि वो अब उसके लिए स्पेस कम पड़ रहा है स्पॉट में, तो मैंने उसका एक जो है वो स्टेम इस तरीके से लगा के, और ये मुश्किल से 6-7 इंच की मैंने लगाई थी,
और यह पूरी अच्छी बड़ी बेल बन गई है। तो फ्रेंड्स, को ग्रो करना बहुत ही आसान है और आप इसको ग्रो करिए और इसके फ़ायदे लीजिए। इसको चाहे उबाल के पीजिए, चाहे इसको पीस के। अगर इसकी ये इस तरीके से डंडी लेकर इसको आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो वो इतना कड़वा नहीं होता, उसको बच्चे भी आराम से पी सकते हैं। और अगर पत्तों का काढ़ा बनाएंगे तो वो कड़वा होता है, तो उसको पीना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आप चाहें तो इस तरीके की सूखी हुई जो इसकी डंडियाँ हैं वो मिल जाती हैं दुकान पर, वहाँ से लेकर और उसका काढ़ा बनाकर पिए। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई दी है, अगर आपको कहीं से मिलती है तो बस ये ध्यान रखें कि इस तरीके का उसमें होना चाहिए, गोल बना हुआ चक्र सा। तो आप इसको अपने घर में ग्रो करिए और इसके फ़ायदे उठाइए और इस समय लगा दीजिए, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी ये। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो देखते रहिए। ओके, बाय।